की रता नहीं जाती, प्रभु यीशु स्तुति करिए, बढ़ाई करिए, महिमा करिए, आराधना करिए, प्रभु यीशु की स्तुति के महिमा करते हैं, सारे मिलके जोश है, शक्ति ना ताली बजाते हैं। अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करो, जोश है, शक्ति ना ताली बजा के।
चंगाई दा वरदान दो आशीष दा बरकत हालेलुया हालेलुया राजा तुहाडे लई कुछ वी संभव नहीं त्याग रो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा दी शक्ति दे नाल पर दो हालेलुया 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 यीशु हालेलुया हालेलुया हत पुठा के च बलिया हालेलुया 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 सारे जोश ते ना बलिया हालेलुया 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 सारे पैंट शांति नाल बैठ जाइए हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु दी वडियाई होवे प्रभु यीशु दी स्तुति होवे हत पुठाइए सारे जो हालेलुया बोलना हाथ पर उठाओ हालेलुया हालेलुया और उच्ची बोलो हालेलुया सारी संगत उच्ची बोलिए हालेलुया और जोश ना बोलो हालेलुया ठीक रसी अपना मुंह खोलेंगे उच्ची आवाज दे नाल प्रभु यीशु दी स्तुति करेंगे आराधना करेंगे प्रभु यीशु दा धन्यवाद करेंगे ता साड़ी जिंदगी दे बंधन टूटन गे हालेलुया हाथ पठा के बोलिया हालेलुया हालेलुया जिस तरह से वचन विच पढ़दे हां हर रोज ये वचन सुनाया जांदा है चेलियां दे करतब ओसी 16 बाब दी 25 आयत विच लिखे है लगभग दी रात दे वेले केड़ा समा सी पैणा केड़ा समा सी प्रावा केड़ा समा सी प्रावा दी आवाज ने केड़ा समा सी उच्ची बोलो सारी बोलो केड़ा समासी अद्धी रात दा समासी हालेलुया उस वक्त की हो रहा सी लगभग अद्धी रात दे वेले संत पौलुस से सीलास किन्ने जने सी किन्ने जने सी इधर ध्यान लगाओ किन्ने जने सी दो जने सी हालेलुया प्यारे इत्थे किन्ने जने हैं इत्थे किन्ने जने हैं पर फिर भी ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ जो साढ़े वर्गे चुप चाप उत्थे बैठे सी पर वचन विच इक गल लिखी है और जदों संत पौलुस ते सीलास गीत भजन गा के परमेश्वर दी वडियाई कर रहे सी अते सारी कैदी बड़े ध्यान दे नाल उन्हां नूं सुन रहे सी बड़े ध्यान दे नाल उन्हां नूं सुन रहे सी अचनचेत जेल दे विच भूचाल आया
जल दे बंधन टूट गए, जल दिया नीहां तक हिल गईयां, सारे दरवाजे खुल गए, अते सारे कैदी अपने बंधना तो, सारे कैदी अपने बंधना तो आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारू साड़ी जिंदगी दे बंधन कदों टुटणगे? जदों असीं वी अपना ध्यान यीशु वल लगावांगे, जदों असीं वी पूरे मन दे नाल यीशु दा वचन सुणांगे, यीशु वल ध्यान लगा के प्रार्थना करांगे, उच्ची आवाज नाल यीशु नूं पुकारांगे, यीशु दा वचन वल अपना तन मन लगावांगे, तां साड़ी जिंदगी दे बंधन टुटणगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारियो बंधन टुटण दे लई साडे लई यही करना है कि असीं वचन ध्यान नाल सुणीए। जिस तरह सारे कैदी वचन विच असीं सुणिया, सारे कैदी ध्यान दे नाल सुन रहे सी, उन्हां दा ध्यान इधर उधर नहीं सी, वह बच्चे दे बारे नहीं सोच रहे सी, परिवार दे बारे नहीं सोच रहे सी, जां होर किसी दे बारे नहीं सोच रहे सी, उन्हां दा ध्यान कित्थे सी? संत पौलुस ते सिलास वल सी, उन्हां दा उन्हां वल ध्यान सी, वह देख रहे सी वह किस तरह पूरे जोश दे नाल पूरे तन मन तो परमेश्वर की वडियाई कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बेशक कैदी कोई कुछ प्रार्थना नहीं कर रही सी, कुछ नहीं कर रही सी, पर वो ध्यान लगा के सुन रहे सी। प्यारे सुनन द्वारा ही खुदा ने उन्होंने जिंदगी विच महान चमत्कार किया। क्यों अज साडे विच भूचाल नहीं है? क्यों साड़िया नीह तक नहीं हिलिया? क्यों साड़िया बीमारियां नहीं हिलदियां? क्योंकि साडा ध्यान खुदा दे वल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे जेकर साडा ध्यान परमेश्वर वल है तो सानू रात भी नींद नहीं आएगी, रात भी असी नहीं सो सकते, रात खत्म होने के लिए सन असी बार बार इंतजार करेंगे, बार बार असी उठ के देखेंगे कदों दिन चढ़ेगा, कदों मैं यीशु मसीह पान विच जाके यीशु दी महिमा करा। हालेलुया, हालेलुया। कदों मैं यीशु मसीह पान विच जाके यीशु दे दर्शन करा। जिस तरह से वचन विच पढ़ते हम तो सन यूहन्ना दी अंजील उसी 20 बाब विच लिखा, जदों मरियम मगदली ने रात उसनों नींद नहीं आई, यीशु नूं जदों स्लीप ते चढ़ा दिता, तीसरे दिन ऐतवार दा दिन सूरज निकलन तो पहला ही मरियम मगदली ने कित्थे पहुँच गई? यीशु दी कबर ते पहुँच गई। कित्थे पहुँच गई? यीशु दी कबर ते पहुँच गई। इत्थों तक चेले जो कि कहिंदी जो जैन से उन्होंने कोई डर नहीं है, जो इंसान आदमी उन्होंने कोई डर नहीं, पर प्यारे चेले उत्थे डर दे मारे बैठे से। चेले नहीं गए यीशु दी कबर ते, पर मरियम मगदली ने पूरे विश्वास दे नाल यीशु दी कबर ते पहुँच गई। सूरज निकल तो पहला ही और कबर ते चलेगी, कबर ते जाके की देख दी? कबर ते मूंग पत्थर हटिया होया, अति उत्थे जाके उसने जो देखा कबर ते मूंग दे गो पत्थर हटिया है, तो उसने दो स्वर्ग दूत देखे जो चमकीले कपड़े पा के उत्थे बैठे सी जिथे यीशु दी लाश सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ना स्वर्ग दूता ने मरियम मगदली ने तो पूछा, बीबी तू क्यों रोंदी है, तू क्यों रोंदी है, तू किस नु लभ रही है? ता मरियम मगदली ने की दस्या, ओ मेरे गुरु नु, ओ मेरी यीशु नु उठा के लै गए हन, मैनू नहीं पता उन्होंने उन्हें कित्थे रखा। पर स्वर्गदूत ने दस्या ओ जी उठे। उस वक्त मरियम मगदली ने उन्हां दे नाल गल करके पिछे मुड़ी तो की देखती? यीशु उन्होंने पिछे खड़ा सी। हालेलुया, हालेलुया। जो उसने देखा यीशु उसके पिछे खड़े से, इसने भी मरियम मगदली ने तो पूछा, बीबी तू क्यों रोंदी है, किस नु लभ रही है? यीशु ने भी सेम सवाल किया, तू किस नु लभ रही? पर मरियम मगदली ने नहीं समझ सकी थी, नहीं पहचान सकी थी कि वो यीशु है। इसलिए मरियम ने सोचा, क्योंकि जिथे यीशु दी लाश दफनाई गई सी, जिथे यीशु दी कबर सी, वो एक बगीचा सी, एक बगीचा सी, अते उसने सोचा इस बगीचे दा, इस जो बाग दा, जो ये जो इंसान मेरे तो पूछ रहा एक माली है। उसने यीशु नु नहीं पहचाने, इसलिए उसने यीशु नु माली समझते हुए यीशु तो पूछा, श्रीमान जी जेकर तुसी उन्होंने लै गए हो मैनु दसो, तुसी उन्होंने कित्थे रखे हैं, मैं आप जाके उन्होंने लै जावांगी। तो वचन विच लिखा प्यारे
मरियम मगदलीनी दा नाम लिया। यीशु ने उसने दस्या हे मरियम, एकदम वो पीछे मुड़ के बोली हे रबुनी, जिसका अर्थ है हे गुरु। यीशु दे चरणा नु जाके छूना शुरू किया, पर यीशु ने उस वक्त उसने दस्या मेनू अजे ना रोक। हालेलुया, हालेलुया। वेखो प्यारे, मरियम दे मन विच यीशु दे दर्शन करन दी चाहत सी, यीशु नु देखना चाहुंदी सी, यीशु दे लई प्यासी सी, इसलिए उसने रात नींद नहीं आई। असी की करते हैं, असी रात पूरी चंगी तरह सौंदे हैं, अते सवेरे जदों दिन चढ़ जाता उदों उठ के तैयारी करनी शुरू करते, तां असी कदे टाइम ना चर्च नहीं आ सकते। हालेलुया, हालेलुया। पर प्यारियो, जेकर साडे मन विच यीशु नु देखण दे लई प्यास है, जेकर असी भी यीशु दे दर्शन करने, असी कोई काम दे लई नहीं जावांगे, असी उठते सार यीशु दे कोल आउण दे लई तैयारी करांगे, क्योंकि ऐतवार दा दिन यीशु दे दर्शन करन दा दिन है। ऐतवार असी यीशु दी हजूरी विच आवांगे, यीशु दे दर्शन करांगे। हर ऐतवार दा दिन खुदा ने अपनी महिमा दे लई रख्या है, एक खुदा दा दिन है, वो असी किसे कम दे लई इस्तेमाल नहीं करना। असी अज तक यीशु नु दर्शन करन दी, यीशु नु देखण दी कोई इच्छा नहीं रखी, तां असी अज हर काम विच यीशु नु एक सैट ते करदे, अपने काम दे लई असी ज्यादा समां व्यतीत करदे हां। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस लई प्यारियो, जेकर साडे मन विच भी उसे तरह दा प्यार है, जेकर अज असी भी यीशु नु देखना चाहुंदे हां, तां असी भी दुनिया विच सारे कम्मां नु छड्ड के शनिवार अपने घर बैठ के ऐतवार सवेरे तड़के यीशु मसीह पाउण विच आवांगे। क्यों असी अपने काम दे बारे सोचदे, क्यों अपनी कमाई दे बारे सोचते प्यारियो? ऐतवार दा दिन सानू कोई कम करन दा हक नहीं है प्यारियो, ऐतवार दा दिन सानू कोई दुनियावी कमां दे लई जान दा हक नहीं है, ऐतवार दा दिन खुदा दा दिन है। जेकर उस दिन भी असी कम दे लई जाने, असी खुदा दा दिन चोरी करते हैं प्यारियो, इत्थे असी चोरी करते। खुदा दे दस हुक्मां विच लिखे लालच ना कर, सी लालच करते हाँ, चोरी ना कर, असी खुदा दा दिन भी चोरी करते, वो भी दिन से अपने काम दे लई इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तां प्यारियो, साडी जिंदगी दी परेशानियां नहीं दूर होंदियां, तां साडे जीवन दी रुकावटां नहीं दूर होंदियां, तां साडे घर विचों बीमारियां नहीं निकलदियां, तां असी हर समय दुखी बीमारी हालत विच रहिंदे। वेखो प्यारियो, जदों यीशु मसीह पौन विच विश्वास नाल आउण वाले पैन पवांदी जिंदगी विच प्रभु यीशु चमत्कार करदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक भैण ने दस्या जिन्हां दे मुंह ते जख्म से, उन्होंने यीशु मसीह पाउण विच मिट्टी लेके गए, वह जख्मां ते मिट्टी लगाई। असी की सोचदे, मिट्टी लगावांगे मिट्टी नाल इनफेक्शन हो जाएगी, जां मिट्टी दे नाल होर परेशानी वधेगी। पर प्यारियो, उस भैण ने विश्वास दे नाल वह मिट्टी इस्तेमाल की, मिट्टी लगाउण द्वारा उन्हां दे जख्म सारे सुक गए, मुँह साफ हो गया। क्यों साडी जिंदगी दी परेशानी नहीं दूर होंदी, क्यों साडे घर विचों बीमारियां नहीं निकलदियां, क्योंकि असी विश्वास नाल नहीं आ रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भरा जो अजनाले तो आए सी, शायद तुसी उन्हां दी गवाही पहले देख चुके हो, जो कुर्सी दे नाल तुरदे सी, उस भरा ने आ पा के दस्या उन्हां दी जिंदगी विच खुदा ने महान चमत्कार कीते। अते जदों भरा लाइव देखदा सी, लाइव देखने समय उस प्लान की जिंदगी में परेशानी से, और सीधे खड़े नहीं हो सकते, सीधे चल नहीं सकते से। उस प्लान ने फादर जी ने फोटो सेंड की थी, आते फादर जी ने उस प्लान की फोटो स्क्रीन पर डिस्प्ले करके उस प्लान के लिए प्रार्थना की थी। आते प्रार्थना करने तो बाद एकदम उस प्लान ने की दसा उन्होंने जो कमर कुबी से, जो सीधा खड़े नहीं हो सकते, सीधा अपने पैरों से चल नहीं सकते, वो सीधे चलना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जो हर समय कुर्सी पढ़ के चलदा सी, कुर्सी दे सहारे दे नाल चलदा सी, उस भरा नूं खुदा ने सीधे चलन दा वरदान दिता, क्योंकि उस भरा ने अपना ध्यान अपना तन मन वचन दे वल लगाया, अते विश्वास दे नाल लगातार यीशु मसीह पावन यूट्यूब चैनल द्वारा वचन सुनना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे, उस भरा की जिंदगी विच यीशु ने महान चमत्कार किया। उस भरा ने आप इत्थे नहीं आके प्रार्थना की सी,
सिर्फ उसने अपनी फोटो सेंड की। किन्ने भैन भावों की जिंदगी विच यीशु ने जो फोटो सेंड करके प्रार्थना मंग द्वारा यीशु ने महान चमत्कार किए। क्यों तुहाड़ी जिंदगी विच आशीष नहीं आ रही? क्यों तुहाड़ी जिंदगी दी परेशानी नहीं दूर रही? क्योंकि तुहाड़े विच उस तरह का विश्वास होना जरूरी। जेकर तुहाड़े विच पक्का विश्वास है तो ऐतवार कोई काम दे लई इस्तेमाल नहीं करोगे। ऐतवार का दिन तुसी अपने कामां दे लई इस्तेमाल नहीं करोगे। ऐतवार का दिन यीशु मसीह पाउणे चाहोगे। अते नाल जो लोग अज यीशु तो दूर हो चुके उन्हां नूं भी प्रेरणा दोगे तां खुदा तुहाड़ी जिंदगी दे बंधन भी तोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे वचन वल ध्यान लगाना जरूरी है। जेकर असीं वचन वल ध्यान नहीं लगांदे साडी जिंदगी दीआं परेशानियां भी दूर रहिंदीआं। चेलियां दे खता उस तीन बाद दी पहली आयत असीं वचन पढ़दे हां जदों संत पौलुस ते सिलास संत पत्रस ते संत जॉन दोनों प्रार्थना दे लई जा रहे सी। यीशु दे पहले चेले संत पत्रस ते संत जॉन दोनों तीन बजे दी प्रार्थना दे लई मंदर वल जा रहे सी। जिस तरह तुसीं यीशु मसीह पाउणे चाहे हो इस तरह ही वह प्रार्थना दे लई जा रहे सी। अते जदों मंदर वल जा रहे सी मंदर दे सुंदर नां दे दरवाजे दे की एक जन्म दा लंगा आदमी पिया सी। लंगा आदमी बैठा सी क्योंकि उन्होंने परिवार के लोग हर रोज उस नूं उत्थे लिया के छड के चले जाते सी ताकि वह मंदिर विच आन जाण वाले कोलों भीख मंगे। प्यारियो उस जन्म दे लंगे आदमी ने भी उन्हां तों भी भीख मंगण की कोशिश की। उस वक्त संत पत्रस ने उस वल देखिया अते उस नूं दिसे साडे वल तक। इस तरह संत जूहन्ना ने भी अते उह लंगा आदमी कुछ मिलन की आस दे नाल उन्हां वल देखण लगा। जदों कुछ मिलन की आस नाल उन्हां वल देख रहे सी तां संत पत्रस ने दस्या चांदी सोना तां मेरे कोल है नहीं। की है नहीं? चांदी सोना पैसे मेरे कोल नहीं है। तां उसने दस्या चांदी सोना तां मेरे कोल है नहीं पर जो कुछ मेरे कोल है मैं तैनूं दिंदा। नासरत निवासी यीशु दे नां ते मैं तैनूं कहिंदा हां उठ ते चल। जन्म दा लंगा आदमी एक शब्द बोलन द्वारा ही उठ के खड़ा हो गया ते चलन फिरन लगा। पूरे विश्वास ओ प्रभु यीशु दी महिमा करदा होया मंदिर दे विच प्रवेश करन लगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारियो अज तुहाडी जिंदगी विच भी यीशु चमत्कार करेगा। जिस चीज की सानू लोड़ है अज असीं भी कह सकते यीशु तो सिवा सानू कोई चंगा नहीं कर सकता। प्यारियो पैसा सानू चंगाई नहीं दे सकता। डॉक्टरी इलाज पैसे नाल हुंदा पर जेकर यीशु नहीं चाहेगा जेकर यीशु की मर्जी नहीं है तो वह पैसा साड़ी जिंदगी विच काम नहीं कर सकता। पैसे द्वारा असीं खरीद नहीं सकते। पैसे द्वारा असीं कुछ नहीं लै सकते बल्कि यीशु की मर्जी द्वारा सब कुछ मिल सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संत जूहन्ना दी अंजील उस 15 बाब दे 7 विच लिखिया यीशु ने आप आख्या जेकर तुसीं मेरे विच रहो। किदे विच रहना सी? किदे विच रहना भरावा? यीशु विच रहना है। जेकर तुसीं मेरे विच रहो अते मेरे वचन तुहाडे विच रहन तां तुसीं जो चाहो अते मंगो तुहाडे लई हो जाएगा। प्यारियो जेकर यीशु का वचन साढ़े विच है जेकर यीशु का पाक कलाम साढ़े विच है तो साड़ी जिंदगी के बंधन टुटते हैं तो साड़े जीवन दियाँ परेशानियां यीशु दूर करेगा। यीशु का वचन साढ़े विच होना चाहिए। यीशु के वचन तो बिना असं चंगाई नहीं पा सकते। इब्रानियों का ग्रंथ उस 4:12 विच पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन जिंदा है। परमेश्वर का वचन जिंदा है अति क्रियाशील है। ये दो तारी तलवार तो भी तिखा है। एक गुद्दे गुद्दे नूं विन के आर पार हो जांदा। ये मन दी सोचा ते ख्यालां दी भी जांच करता है। हालेलुया हालेलुया। प्यारियो प्रभु दा वचन जिंदा है। और जिंदा वचन कौन है? और जिंदा वचन यीशु है। यीशु सिंह जिंदा है। यीशु साडे विचकार है। यीशु सानू चंगा कर सकता है अते यीशु जरूर सानू चंगा करेगा भी। हालेलुया हालेलुया। तां यीशु ने आप आख्या तुसी जो थके ते पां टेट दबे हो सब मेरे कोल मैं तुहानू आराम देवांगा। प्यारियो यीशु तो सिवा सानू कोई आराम नहीं दे सकदा। यीशु तो सिवा
सानू कोई चंगाई नहीं दे सकता, यीशु ही सानू चंगा कर सकता, ओ जिंदा वचन यीशु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज से सारे खड़े हो जाइए, खड़े होके अस एक भजन गावांगे अते अपने आप नू पवित्र पाक मासी कुर्बानी दे लई तैयार करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। सारियां पैना प्रवा खड़े हो जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जोशा बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया।